भोजन करते समय जो आपकी जो चिंता है, ईर्ष्या है, दोष है, क्रोध है, घबराहट है, इसको ना आप पहले उतार करके धर दें। इसको धरने का क्या उपाय है? यदि पहले से मान लीजिए कोई अवसाद की स्थिति में, तनाव की स्थिति में, परेशानी की स्थिति में, आप कहेंगे आचार्य जी तब हम क्या करें, मैं तो पहले से परेशानी में था, घबराहट में था, भोजन तो भूख तो लग रही थी, खाना भी था, तो मेरा एक छोटा सा निवेदन है, बिल्कुल छोटा सा निवेदन है, आप आराम से कर सकेंगे। जब आप ऐसी स्थिति में हैं, पहले आप थोड़ी देर के लिए 2 घूंट पानी पीजिए, आप मुंह धोइए, हाथ पैरों को धो लीजिए, तब तक आप देखोगे आप थोड़ा रिलैक्स हो जाएंगे, मानसिक जो अवसाद है, चिंता है, घबराहट है, वो कम हो जाएगा। जैसे कि मैंने कहा भोजन से पहले हाथ पैर धोने का ये लाभ है। उसके बाद में जब आवाज़ शोर शराबा है चारों तरफ, उसको बंद कर दीजिए, तो घबराहट और क्रोध, ईर्ष्या, आवेग, उद्वेग अपने आप शांत हो जाएंगे। मोबाइल को बंद कर दीजिए, टीवी को बंद कर दीजिए, फिर आप बैठिए, फिर देखिए इतनी देर तक में जो आप बेचैन थे, जो आप विचलित थे, आपका मन काफ़ी शांत हो चुका होगा। जब मन शांत हो जाए 2 मिनट लगेगा, जल्दी मत करिए, भूख बहुत तेज़ लगी है, जानता हूँ बहुत तेज़ भूख है, जानता हूँ बहुत जल्दी जल्दी दूसरे काम भी निपटाने हैं, पर मेरे भाई 2 मिनट तो दे दो इस भोजन के लिए ही। तो ये सारी जो भागम भाग है, यदि आहार को भी ठीक से नहीं ले सके तो किसके लिए भागम भाग है? तो आप थोड़ी सी शांति से बैठिए, नहीं तो स्वाद नहीं आएगा, पता भी नहीं चलेगा। आदमी खाना खा लेता, कई बार तो ये भी नहीं पता चलता कि उसने खाना भी खा लिया, कई बार ऐसी स्थिति भी पता नहीं चलता क्या क्या खाया, ये स्थिति बहुत भयावह स्थिति है। तो आपको क्या करना है, पाचक रसों का ठीक से स्राव हो, पाचक रस का स्वाद ले लेकर के आप मुंह में खा रहे हैं, उसको चबा चबा करके, कहते हैं ना 32 दांत है तो 32 बार चबानी चाहिए, उससे भी ज़्यादा चबा लो तो कोई दोष नहीं है, खूब चबाइए, चबा चबा करके आनंद से भोजन करिए। आनंद से भोजन करते समय ध्यान रहे, खाना खाते समय लोग जो इधर उधर की कहानियाँ और गप मारते हैं, उनको कहिए भाई साहब आपकी कहानी जरूर सुनेंगे पर भोजन के टाइम में नहीं, भोजन के बाद में सुनेंगे। तो ना आप अपनी कोई कहानी सुनाने के लिए बैठिए, ना दूसरों की कहानी सुनिए, यही आयुर्वेद के भोजन की विज्ञान और अवैज्ञानिकता, इस वैज्ञानिकता को समझिए। ना तो सुननी चाहिए, ना देखनी चाहिए, ना करनी चाहिए, कुछ भी नहीं करना चाहिए, सिर्फ एक ही काम करना चाहिए, वो है भोजन। भोजन के समय भोजन ही करें।